हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से तोशीन टेक चैनल में। तो दोस्तों, फाइनली रियलमी 3 में भी मार्च का OTA अपडेट जो है वो रिसीव हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो अपडेट है वो 18 अप्रैल 2019 को जो है रिसीव हुआ है, और रियलमी ने जो है इस अपडेट को रियलमी 3 के लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इस अपडेट में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा हमें रियलमी 3 में, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस इस अपडेट में किए गए हैं, वो सारी डिटेल्स जो है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आपको मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो देख सकते हैं कि इस अपडेट की जो चेंज लॉग है उसमें यहां पर हमें देख सकते हैं, सबसे पहले एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है अप्रैल 5 2019 का मिलने वाला है। और यहां पर दोस्तों, रियलमी 3 जब लॉन्च हुआ था तो आउट ऑफ द बॉक्स हमें रियलमी 3 में जनवरी 5 2019 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था। उसके बाद में दोस्तों, ये फर्स्ट अपडेट है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल को लेकर रियलमी 3 के लिए। देख सकते हैं अभी जो है मेरे डिवाइस में जनवरी 5 2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो शो हो रहा है अभी यहाँ पर। अब जो मार्च का जो अपडेट है उसमें हमें यहाँ पर अप्रैल 5 2019 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की, तो देख सकते हैं कैमरे में जो पोर्ट्रेट मोड की परफॉर्मेंस है उसको जो है ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ यहाँ पर एनकेज सिस्टम स्टेबिलिटी को जो है यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो हो गई इस अपडेट के चेंज लॉग की बात। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं इस अपडेट के साइज की, तो अराउंड 400 MB की इस अपडेट की साइज है। तो दोस्तों, अगर आप भी रियलमी 3 यूज करते हैं तो आप जो है अपने फोन के सेटिंग्स में जाकर, सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में जाकर ये अपडेट जो है एक बार चेक कर लीजिए आपको रिसीव हुआ या नहीं। अगर रिसीव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो 18 अप्रैल 2019 से रियलमी 3 के लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो डेफिनेटली ये 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो है मिल जाएगा। मेरे तो कुछ कुछ डिवाइसेस को ये अपडेट जो है रिसीव हो चुका है, लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस को ये अपडेट जो है रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे डिवाइस में भी अगर हम बात करते हैं इस अपडेट की, तो मेरे डिवाइस में भी ये जो अपडेट है वो रिसीव नहीं हुआ है। क्यों? अगर आप रियलमी 3 यूज़ करते हैं तो आप जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिए कि आपको ये अपडेट रिसीव हुआ है या नहीं। देख सकते हैं मेरे डिवाइस में जो इस अपडेट का जो वर्जन आप देख रहे हैं वो देख सकते हैं RMX 1825ES_11A.13। लेकिन यहाँ पर जो मार्च का OTA अपडेट है उसके अगर हम बात करते हैं, इसके बिल्ट वर्जन, इसके वर्जन की बात करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर A.14 इसका वर्जन है। मेरे डिवाइस में भी ये अपडेट जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे एक सब्सक्राइबर है प्रदीप परिहार, उन्होंने हमारे साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है और ये स्क्रीनशॉट हमें सेंड किया है। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की। तो दोस्तों, आप प्लीज़ उनके लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना। दोस्तों, जब भी मेरे डिवाइस में ये अपडेट रिसीव होगा तो मैं इसके ऊपर एक इस अपडेट के रिव्यू के सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि यहाँ पर हमें जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें किस तरह का जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर डिवाइस की परफॉर्मेंस में आते हैं। तो मैं इस अपडेट के ऊपर एक रिव्यू की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आगे भी हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।